चुनावी समर आते ही बसपा सुप्रीमो मायावती को काशीराम की याद आ रही है। बसपा ने अपने टूट रहे वोट बैंक को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए बसपा काशीराम की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर से अभियान चलाने जा रही है, जिसमें बसपा के कार्यकर्ता प्रदेश भर में डोर टू डोर जाएंगे और बताएंगे कि कैसे दलितों को समाज में सम्मान और राजनीतिक अधिकार मिले। बिखरे हुए दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए बसपा में कवायद तेज हो गई है। मायावती को अब काशीराम की याद आने लगी है। आपको बता दें कि इस बार काशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को बसपा घर घर के लिए एक कैंपेन चलाएगी, जिसमें बसपा के कार्यकर्ता लोगों के घर पे जाएंगे, आवास पे जाएंगे और वहां काशीराम की गाथा को सुनाएंगे। आपको बता दें कि दलित वोट बैंक में सपा और बीजेपी की बढ़ती हिस्सेदारी बसपा की बेचैनी का सबब बनती जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। चूंकि लगातार आप देखिए कि इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की डबल इंजन की सरकार है, उसमें लगातार दलितों के संग जो अपराध हो रहे हैं उन पर मायावती जी कुछ भी नहीं बोलती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे अभी रिसेंट का लखीमपुर का केस हो, हर जगह मायावती जी चुप्पी साधे हुए नजर आई हैं। तो जब दलितों के अधिकार के लिए आप नहीं बोल पा रही हैं, तो फिर आप जो है चुनाव के समय निकलकर क्या करेंगे? आप पहले तो ईडी और सीबीआई से जो आपका डर है उससे बाहर निकलिए, उसके बाद आप चुनाव के लिए बाहर निकलिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दलितों के संग जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए सबसे पहले खड़े होना होगा, तब जाकर कहीं चुनाव पे बात करनी पड़ेगी। बीते 10 वर्षों की बात करें तो बसपा बुरे दौर से गुजर रही है। हर चुनाव में चुनावी समीकरण बदलने वाले पिछड़े और दलित वोट बैंक में सपा और बीजेपी ने सेंधमारी की है। आलम यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के कई दिग्गज अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, वहीं भाजपा दलित वोट बैंक को साधने में कहीं ना कहीं सफल रही है। बीजेपी की माने तो बसपा अब प्रदेश में खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में मायावती का कोई भी अभियान काम नहीं आएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व आज उत्तर प्रदेश में खतरे में है। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी संस्थापक सदस्य थे एक एक करके पार्टी छोड़ करके बाहर चले गए। आज मायावती जी वहाँ एको अहम द्वितीय नास्ती की तर्ज पर चला रही है पार्टी। वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से पार्टी जब चलाएंगे तो उसके परिणाम इसी प्रकार से होंगे। अब वो पार्टी को सहेजने का पहले प्रयास करें, वोट तो सहेजना और वोट बैंक की जो राजनीति चलती थी जिससे बैंक बैलेंस बढ़ाया करते थे, अब वो दिन लद गए। आपको जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अहर्निश काम करना पड़ेगा। आप केवल चुनाव चुनाव में सक्रिय हों और पैसा बटोर करके टिकट बांट दें तो उसके आधार पर जनता आपको स्वीकार नहीं कर सकती है। निश्चित तौर पर जनता फिर खारिज करेगी। अब देखना होगा कि काशीराम का नाम लेने से मायावती को कोई सियासी फायदा होगा या बसपा बीजेपी के सामने फिर बिखर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।